अगर आप लोग डोरेमोन देखते आ रहे हो अपने बचपन से, तो आपने एक मूवी तो जरूर से देखी होगी जिसका नाम है थ्री मैजिकल स्वॉर्ड्समैन। इस मूवी में इतनी सारे मिस्ट्रीज है, इतने सारे मिस्ट्रीज है कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी इस मिस्ट्रीज को सॉल्व कर नहीं पाते। एंड क्योंकि फुजियो की डेथ हो चुकी है, तो इस मिस्ट्री को ऑफिशियली कोई सॉल्व करने के लिए रहा ही नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि डोरेमोन के क्रिएटर्स ने ऑलरेडी इसकी मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया है, एंड अगर हम चाहें तो इस मिस्ट्री को डिस्कवर कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली आप लोग नहीं मानोगे। लेकिन गाइस, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। हम आज की वीडियो में तोरीहो की मिस्ट्री को रिवील करने वाले हैं। उससे पहले हमारे इस चैनल किड ऑफ एक्स को जरूर से सब्सक्राइब कर लो, एंड बेल आइकन कॉल पे दबाना बिल्कुल ही मत भूलना, बिकॉज इससे आपको मिलते हैं नोटिफिकेशंस जो भी हम वीडियोस अपलोड करते हैं। तो तोरीहो को हमने सबसे पहले देखा था डोरेमोन की थ्री मैजिकल स्वॉर्ड्समैन मूवी में, जहां पर ये विलन का किरदार प्ले करता है, साथ ही में एक सेल्समैन का किरदार भी प्ले करता है, जहां पर ये सेल्समैन होकर डोरेमोन को अनाप शनाप गैजेट देके उनको फंसा देता है, और वहां पर ही गेम में ये रियल वर्ल्ड में आके नोबिता को गेम के अंदर ले जाते हैं, मतलब ले जाता है, मतलब काम करता है वो अपने ओडोरम के लिए। उसके बाद जो है नोबिता और डोरेमोन जाके एंड में उस मूवी में ओडोरम को मार देते हैं, एंड इसको ये लोग नहीं मार पाते, ये कहीं पर छुप जाता है और ओडोरम की डेथ देखता है। एंड उसके बाद जब मूवी खत्म होती है, तब वो गैजेट को लेने वापस आता है सेल्समैन की तरह। तो यहाँ से हमको क्या हिंट मिला कि ये बंदा कुछ मतलब अनाप शनाप हरकतें करता है, इसका इरादा है किसी को मारने का, ठीक है ना। अब डोरेमोन की मूवी स्टैंड बाय मी 2 में हमको इसका फिर से रोल देखने को मिलता है एज ए सेल्समैन। ये फिर से आता है और फिर से अनाप शनाप गैजेट देके बहुत बड़ी एक मतलब भूल करके चला जाता है, जिसके कारण डोरेमोन और उसके फ्रेंड्स को बहुत कुछ भगतना पड़ता है। तो देखा जाए तो दोनों मूवीज में इसका रोल जो है सेम ही था, इसने जो है मतलब किसी को मारने की कोशिश की थी या फिर किसी को फंसाने की, और वो है डोरेमोन और नोबिता को, ठीक है ना। डोरेमोन और नोबिता को इसने मारने की कोशिश की, इसने अनाप शनाप गैजेट देकर उनको फंसा दिया, ठीक है ना। थ्री मैजिकल स्वॉर्ड्समैन में भी इसने यही किया था, और स्टैंड बाय मी 2 में भी इसका यही रोल था, ठीक है ना। तो हमको इसमें क्या सीखने को मिलता है कि इसका कुछ तो पंगा है डोरेमोन नोबिता से, जो कि ये दोनों को मारना चाहता है। तो बस हमको इतना जानने को मिल गया कि हाँ, ये डोरेमोन नोबिता को मारना चाहता है, ये फ्यूचर से है, और इसका कुछ ना कुछ तो झमेला है डोरेमोन नोबिता से, जो कि हुआ होगा, एंड वो भी मुझे पता है, लेकिन वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताने वाला, बिकॉज इतनी मिस्ट्री कवर करने के बाद इस वीडियो में मैं आपको नहीं बता सकता वो। अगर आप इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स देते हो तो जरूर से मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, एंड इसी चैनल पे इस मिस्ट्री को रिवील कर दूंगा। तो कैसे उसके लिए लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्यार से कमेंट छोड़ के चले जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्रिलियंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।